सपा के उड़ गए होश, बसपा हो गई बेहोश, योगी के एक दाव से बदल गया खैर का समीकरण। सुरेंद्र दलेर के नाम पर मोहर लगते ही उपचुनाव की एक सीट हो गई पक्की, जानिए कैसे। ना अखिलेश सोच सके ना राहुल सके जान, एक झटके में योगी ने बदल दिया जीत का प्लान। बड़े बड़े दिग्गजों को लगाया किनारे, खैर से उम्मीदवार बने योगी के हनुमान। अखिलेश यादव को लग रहा था कि लोकसभा में बीजेपी चूक गई तो अब की बार भी उपचुनाव में पिछड़ सकती है। उधर राहुल गांधी के साथ मिलकर दो लड़कों की जोड़ी फिर से इसी फिराक में थी कि उपचुनाव में बीजेपी को परास्त करके परिणामों को अपने अनुरूप बदल देंगे। लेकिन अचानक योगी के एक दाव ने पूरी तस्वीर 360 डिग्री बदल दी है। योगी और मोदी के इस दाव ने एक बात तो साबित कर दी है कि सियासत के पिच पर ना तो योगी से अच्छा कोई बल्लेबाज है और ना ही मोदी और अमित शाह से अच्छा कोई फील्डिंग सजाने वाला। आपको यकीन हो ना हो, आज हम आपके सामने सिर्फ एक एग्जाम्पल से पूरी पिक्चर कर देंगे कि कैसे योगी और मोदी चुनाव में अजय हो जाते हैं और कांग्रेस सपा बसपा जैसी पार्टियां उनके सामने चारों खाने चित। दरअसल अलीगढ़ की खैर विधानसभा की सीट भाजपा के साथ सपा और बसपा तीनों के लिए साख का सवाल बन गई है। समाजवादी पार्टी ने खैर से चारू केन और बसपा ने पहल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। चारू केन 3 हफ्ते पहले कांग्रेसी थी लेकिन अचानक चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को ठोकर मारकर सपाई हो गई। चारू केन बसपा से 2022 में खैर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है। तब चारू केन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी सपा और बसपा खैर में जीत का ख्याली पुलाव पका ही रहे थे तभी नहले पर दहला वाली चाल योगी और मोदी ने चल दी और हाथरस के पूर्व सांसद राजवीर दलेर के बेटे सुरेंद्र दलेर को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे योगी मोदी की पहली पसंद बने सुरेंद्र दलेर। कहां तो यहां तक जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दलेर परिवार को टिकट न मिलने पर परिवार को कुछ अच्छा करने का भरोसा दिया था। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान ही राजवीर दलेर का निधन हो गया जिसने पीएम मोदी तक को मरमाहत कर डाला था। खुद योगी ने राजवीर दलेर के बेटे सुरेंद्र दलेर को फोन किया था। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान योगी ने जो सुरेंद्र दलेर से वादा किया था उसे आखिरकार निभा ही दिया। जैसे ही सुरेंद्र दलेर के टिकट की घोषणा हुई वैसे ही कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया, मिठाई खिलाई गई और अबीर गुलाल उड़ाए गए। दिवाली से पहले बीजेपी ने खैर में जीत की दिवाली मनाई। अब जीत की दिवाली क्यों कही जा रही इसे समझिए। दरअसल जब जब बीजेपी ने दलेर परिवार के किसी भी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारा तब तब उसे कामयाबी मिली। कामयाबी का स्ट्राइक रेट करीब 100% रहा। यही वजह है कि योगी हो या मोदी और अमित शाह, सबका भरोसा राजवीर दलेर के बेटे सुरेंद्र दलेर की तरफ गया। ऊपर से सुरेंद्र दलेर खैर के जातिगत समीकरण में भी फिट बैठते हैं। हालांकि बीजेपी जातीय राजनीति में भरोसा नहीं रखती लेकिन जातिगत समीकरण हावी होने के चलते भी सुरेंद्र दलेर के जीत के चांसेस प्रबल हैं। मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो 2017 और 2022 के चुनाव में भाजपा के अनुप्रधान ने खैर सीट पर जीत दर्ज की और वो उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री बने। हालांकि अब अनुप्रधान लोकसभा में हाथरस से सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा खैर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तीसरा, खैर में एक और सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। रालोद और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। खुद योगी और जयंत एक मंच पर दिखे। सुरेंद्र दलेर के लिए रालोद के कार्यकर्ताओं ने भी पूरी जान झोंक दी है। इसकी बानगी सुरेंद्र दलेर के नामांकन में बखूबी देखने को मिली जहां एक ही मंच पर सभी भाजपा रालोद नेताओं ने एकजुटता के साथ जोश दिखाई थी। कार्यकर्ताओं की यही यूनिटी बीजेपी और सुरेंद्र दलेर को जीत की तरफ ले जा रही है। खैर विधानसभा को पहले से ही रालोद का गढ़ माना जाता रहा है। अगर बात करें भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दलेर की तो सुरेंद्र ने सियासत का ककहरा बचपन से ही सीखा। उनके दादा किशन लाल दलेर ने सियासत में लंबी पारी खेली। सुरेंद्र दलेर के दादाजी किशन लाल दलेर जनसंघ के वक्त राजनीति में आए और छा गए। कोल विधानसभा से वो 5 बार विधायक रहे और हाथरस की लोकसभा सीट से सुरेंद्र दलेर के दादा 4 बार सांसद भी रहे। सुरेंद्र दलेर के पिताजी राजवीर दलेर इगलास विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुने गए। फिर उन्हें हाथरस की लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। हालांकि सुरेंद्र दलेर की जीत का ट्रेलर तो उनके नॉमिनेशन में ही दिख गया जहां हजारों लोगों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इतना ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी घोषित होते ही सुरेंद्र दलेर ने जिले के सभी बड़े नेताओं के घर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। खैर आपको क्या लगता है, खैर में किसका पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।